है स्पोर्ट्स सेक्टर को? अरे वो सिल्वर मेडल पहला किसने जीता, वो मिजोरम की थी कि मणिपुर की थी? मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम हाँ, यानी वो भी इशू कवर करना था ना, आसाम मिजोरम जो भी डिस्प्यूट होता है काफ़ी बड़ा। ओके तो मैं ट्रिप पूरा कर अरे लेता हूँ। वो आई असम वाले में कवर कर लेंगे उसको, ठीक है। हाँ अभी त्रिपुरा शुरू करते हैं, तो कौन बोलेगा? हाँ मैं बोल रहा हूँ, आवाज़ क्लियर है ना मेरी? हेलो, हाँ क्लियर है, क्लियर है। हाँ हाँ एकदम लाउड एंड क्लियर। ओके। सो फर्स्ट अबाउट त्रिपुरा, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि त्रिपुरा का मतलब क्या होता है? सो एज पर एवरी स्टेट डिबेट है इसमें भी, कि सम पीपल से कि त्रिपुरा नाम के एक राजा हुआ करते थे, सो डैट्स वाई वी कॉल्ड हिम त्रिपुरा, बट सम से कि त्रिपुरा एक एरिया का नाम था उसके बेसिस में कहते हैं। तो ये कंटेस्टेड एंड डिबेटेड है, सो वी डोंट नो कि त्रिपुरा का नाम किस बेसिस पे है। सेकेंड पॉइंट, त्रिपुरा कम्स अंडर सिक्स स्केड्यूल। अब जैसे आपको पता होगा सिक्स स्केड्यूल में चार स्टेट्स आते हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। बट आपको याद रखना है कि सिक्स स्केड्यूल से क्या बनता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। बट ये पॉइंट याद रखना कि सिक्स स्केड्यूल में चार स्टेट जरूर आते हैं, पर इन चारों स्टेट्स को छोड़ के काफ़ी स्टेट है जहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनती है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड में भी एक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स है वो खाली सिक्स स्केड्यूल में बनेगी, बाकी स्टेट्स में भी बनती है। सिक्स स्केड्यूल्स में बस चार को ऐड किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एंड वेन वी टॉक अबाउट त्रिपुरा, वहाँ पर एक सुना होगा TTAADC, सॉरी हाँ, सो उसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस एरिया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये होता क्या है एक्चुअल में, इसका मतलब कह सकते हैं काइंड ऑफ अ सेमी गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, अगर आप त्रिपुरा का मैप देखेंगे तो उसमें 68% एरिया कम्स अंडर TTAADC। तो इनकी खुद की एक कमेटी होती है, इनका CEO होता है, दे हैव टैक्सेशन पावर, दे हैव जुडिशियल पावर, दे हैव लेजिस्लेटिव पावर्स। तो ये ओवर ही होगा, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सिक्स स्केड्यूल की बात थी, सो इट कम्स अंडर सिक्स स्केड्यूल एंड एक बॉडी है TTAADC, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सेकंड पॉइंट है, थर्ड हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग ऑल इंडियन स्टेट्स। मैंने चेक किया था पॉइंट, ये वाला पॉइंट वेरीफाई नहीं हो पाया था। एज पर 2011 डेटा ये तो दिखा रहा था कि त्रिपुरा का हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट है एज पर 2011 सेंसस। उसके बाद स्टेट ने अपने लेवल में कराया था, सो दे सेड कि हमारा 97% डेटा है, पर वो कंटेस्टेड डिबेट है तो उसको वैसे रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। पहले तो किसी को पता है? गोवा है ना? गोवा। हाँ, तो एक एक्रोनिम बता दे रहा हूँ तीन याद रखने के लिए, GST, गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। गोवा सबसे छोटा, देन सिक्किम, देन त्रिपुरा। तो GST हो गया गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा। फोर्थ पॉइंट है, अगरतला अखौरा चेक पोस्ट सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर बेनापोल, जो हम ट्रेडिंग करते हैं। तो ये ICP क्या होता होगा, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। जैसा आपको पता होगा वो वाघा बॉर्डर में वो चलता है ना, दे हैव सेलिब्रेशंस एवरी डे बॉर्डर पे, तो वैसे यहाँ भी वो होता है छोटे लेवल पे। तो इंडिया की तरफ हमारा है अगरतला एंड बांग्लादेश की तरफ है अखौरा। तो ये वो पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट है, नीर महल इज द ओनली वाटर पैलेस इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिल्ट ऑन टू द सागर लेक। अब आपको पता होगा कि जयपुर में एक जल महल है, वो भी लेक के बीच में बना हुआ है। तो ये जो नीर महल है इसकी खास बात ये कि ये एक लेक है, उसका नाम है रुद्र सागर लेक, जो एक रामसर वेटलैंड साइट है, उसके बीच में छोटा सा महल बना रखा है इन्होंने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बेसिस पे, तो वो नीर महल है। सिक्स पॉइंट, इंडिया इज रुद्र हाँ ओके रुद्रसागर लेक किसने बनाई थी? बीर बंकिम मनिया का उनके नाम उसमें आऊँगा मतलब। ओके। हाँ, सो इंडिया का जो थर्ड गेटवे है आफ्टर मुंबई एंड चेन्नई विल बी ओपन ऑन त्रिपुरा। एंड ये सातवां पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट रेलवे, एक रोड है जो कनेक्ट करती है NH8, नेशनल हाईवे 8। तो अगर हम रोड ब्लॉक कर देते हैं तो द होल त्रिपुरा स्टेट गेट्स बाइफरकेटेड फ्रॉम आवर मेनलैंड इंडिया। तो NH8 रोड, जिसको आसाम रोड भी कहते हैं, ये लाइफ लाइन भी है और इम्पॉर्टेंट है। और आपने काफ़ी बहुत सुना होगा कि जो 90s में क्लासेस चल रहे थे त्रिपुरा में, ऑलमोस्ट अगर हम 20th सेंचुरी मतलब 2000s तक देखें तो हर एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी थी। त्रिपुरा में शांत हो गई है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में आप देख चुके हैं, एंड अरुणाचल प्रदेश के तो पर कैपिटा जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी लो है, तो वो सक्सेशनिस्ट टेंडेंसी आती नहीं उसके बाद। एट पॉइंट है दम्भूर लेक, सो इट इज़ द लार्जेस्ट रिजर्वायर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। गोमती, गोमती रिवर लखनऊ भी आती है, ये वो गोमती अलग है, ये गोमती अलग है, उसमें हम आगे आएंगे। सा नेक्स्ट स्लाइड, हाँ आप जैसे देख सकते हैं कि त्रिपुरा ऑलमोस्ट, हाँ यू कैन कंसिडर त्रिपुरा एज अ वेस्ट बंगाल, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंगाली बोली जाती है। एंड अगर आप इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज देखें तो तीन लैंग्वेज ऑफिशियल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, फर्स्ट इज बंगाली,
सेकेंड इज इंग्लिश एंड थर्ड इज कॉक बोरोक। तो कॉक बोरोक क्या होता है? कॉक मतलब होता है लैंग्वेज, बोरोक मतलब होता है पीपल। तो कॉक बोरोक का मतलब होता है कि जैसे आपने बोला था अभी त्रिपुरी, जो त्रिपुरा में सबसे बड़ी ट्राइबल्स का नाम है त्रिपुरी, उसमें आती है फिर रियांग, फिर आती है जमातिया। सो कॉक बोरोक इज अ ग्रुप ऑफ लैंग्वेज, जितने भी ट्राइबल्स होते हैं उसको कहते हैं कॉक बोरोक। तो जो रियांग कह रहे थे, रियांग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉक बोरोक। तो अगर आप मैप में देखें तो ऑलमोस्ट 97% बॉर्डर एरिया बांग्लादेश से आता है, बाकी आसाम मिजोरम। इफ़ यू वॉन्ट डेटा तो एज पर डेटा बांग्लादेश कम्स अराउंड 856 किलोमीटर, आसाम 53 किलोमीटर एंड मिजो 109 किलोमीटर। सो NH8 बॉर्डर को हम ब्लॉक कर देते हैं, जो NH8 रोड कनेक्ट करती है आसाम से, देन इट विल बी टोटली मतलब मेन इंडिया से हट जाएगा। जैसे जैसे चिकन स्नैक कॉरिडोर है ना वेस्ट बंगाल के लिए, वैसे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है NH8 रोड। ओके तो हाँ ये नेक्स्ट। NH8 रोड मतलब पूरा मतलब मिजोरम की बाउंड्री पे भी है क्या? नहीं, ये त्रिपुरा असम को कनेक्ट करता है। हाँ तो फिर मतलब वो पूरी तरीके से कैसे डिसकनेक्ट होगा? मिजोरम से तो जा ही सकते हैं ना? नहीं, मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूँ, अगर हम मेनलैंड कनेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट में देखना, अगर इफ़ यू टॉक अबाउट त्रिपुरा, तो 2/3 हिली स्टेट है वो, तो वहाँ पर रोड्स है कितनी पहली बात। इफ़ यू टॉक अबाउट मतलब लॉजिस्टिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें हम, जैसे त्रिपुरा में एक ही एयरपोर्ट है अगरतला एयरपोर्ट, बाकी लैंड कनेक्टिविटी उतनी सॉलिड नहीं है। तो NH8 रोड को अगर हम डिसकनेक्ट कर देते हैं तो मतलब उससे काफ़ी इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर ट्रेड कॉमर्स सब इम्पैक्ट करता है ना उसी पे। एंड नहीं फॉर वही मतलब हिली हिली टेरेन है ना, तो उधर ऐसे हर जगह रोड नहीं बना सकते, वो लिमिटेड ही रोड्स हैं। वो NH8 वो एक मेन रोड है। अभी सेम चीज असम और मिजोरम में चल रही है। आप इतना बड़ा आप एरिया देख रहे हो, असम और मिजोरम के बीच में कनेक्टिंग है, लेकिन वो एक हाईवे ब्लॉक कर दिया उन लोगों ने, और मतलब पूरी तरीके से मिजोरम का काम ठप हो गया है। तो वो चीज है, ये बहुत और एक और लिमिटेड पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट में। पूरे नॉर्थ ईस्ट में सबसे बिजीस्ट सिटी है गुवाहाटी, एंड सेकंड बिजीएस्ट एंड इम्पोर्टेंट सिटी है अगरतला। और अगरतला के बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये अगरतला बनता है अगर और तला से, सो ये अगर वुड होता है, अगर वुड। सो इट इज़ वेरी फेमस। इसका पर्पस होता है कि ये स्मेल के लिए यूज़ किया जाता है, जो हम स्मेल रखते हैं ना, जैसे चंदन की स्टिक होती है, उसी तरह अगर वुड इज यूज फॉर परफ्यूम स्मेल पर्पसेस। तो उसका भी बहुत बड़ा एक ट्रेड होता है वहाँ पर अगरतला में। अगरबत्ती अगर यहीं से आया है क्या? नहीं नहीं भाई, वो जस्ट अगरबत्ती अलग है, ये अगर वुड होता है, AGARWOOD। तो इसको चेक करना, ये परफ्यूम में एक इंग्रेडिएंट होता है। एंड सेकंड, इट इज़ यूज्ड फॉर बर्निंग इंसेंस स्टिक, नहीं होती है जब हम प्रेयर में यूज़ करते हैं, उस कंटेक्स्ट में ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट। ओके सो एक्चुअली मैं लेट्स भी वही टॉक। पूछने वाला था, अगरबत्ती वाला। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है, जैसे एमीबल ने बताया था कि मिजोरम भी सिस्मिक जोन 5 में आता है। तो पहली बात, इंडिया में 4 सिस्मिक जोन है, पहले 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5, बट 1 एंड 2 को कंबाइन किया गया है, तो 2, 3, 4, 5 हो गया। एंड जैसे नंबर बढ़ा है वैसी इंटेंसिटी एंड डिजास्टर बढ़ते जाएगा। और इसको निकालता कौन है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इज अ स्टैचुटरी बॉडी, तो वह सिस्मिक जोन ऑफ इंडिया मैप बनाती है। तो उसके बेसिस में हम जोन 5 में आते हैं। तो जो हमारा त्रिपुरा है, ऑल्दो अराकान स्टेट में डायरेक्ट नहीं आता, बट इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ लेट टर्शियरी फोल्ड माउंटेन बेल्ट, जो इंडो बर्मा या पूर्वांचल का पार्ट है। तो ये रिलीफ फीचर्स के बारे में पॉइंट था कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा और पूर्वांचल। नेक्स्ट। सो यहाँ पर अब हम रिवर्स की बात करेंगे और इम्पोर्टेंट क्या क्या कंटेक्स्ट है। जैसे आपको यहाँ पर 3-4 रिवर इम्पोर्टेंट है। एक तो फेनी है, फेनी आपको पता होगा गोवा में ड्रिंक है, फेमस होती है फेनी। तो ये वो वाला फेनी याद रखने के लिए, जो एकदम साउथ में है, देख सकते हैं हम नीचे साउथ में फेनी, जो बांग्लादेश और त्रिपुरा बॉर्डर में आती है। बाकी स्टेट की सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम है मनु, MNU, जो सबसे नॉर्थ में देख सकते हैं आप, जो कैलाश शहर से निकल रही है। उसके बाद है खोवाई, एंड थर्ड इम्पॉर्टेंट है गोमती। गोमती, अच्छा हाँ, नीलेश ने सही कहा। सो इट पासिस टू कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा अगरतला वाला एरिया है जहाँ पर ये निकलती है, वो काफ़ी कंसनट्रेटेड है। एंड एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019, 73% डेटा कम्प्राइजेस 73% ऑफ एरिया कम्प्राइजेस फॉरेस्ट। सो 73% बहुत ज़्यादा है एज पर फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, 33% होना चाहिए, बट 73% तो बहुत ज़्यादा है। सो इट्स वेल बिलो मार्क। एंड
अगर आप यहाँ पर हिल्स देखेंगे तो हिल्स के कुछ नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। 5 हिल्स है जो फेमस है, जम्पुई, इसमें नाम नहीं दिए हुए हैं थोड़े से, जैसे खोवाई एक रिवर का नाम है, जम्पुई, सखनतांग, अथरमुरा, लोंगटोराई एंड बारामूरा, देवतामूरा। तो जैसे इसमें से जो स्टेट की सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम है मनु, जो स्टेट की सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है बेटलिंग सिब्बा, BETLING, बेटलिंग सिब्बा, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग हो सकती है। जो ये बेटलिंग सिब्बा है ये जम्पुई हिल्स पे है, तो ये पॉइंट था। अब हम नेक्स्ट कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन था एक, जुवारी किसकी ट्रिब्यूटरी है बताओ। जुवारी तो वहाँ आती है ना, गोवा में। मांडी हाँ जुवारी राइट, उनको कनेक्ट में करता था, कम्बर जुवार कैनाल था गोवा में। हाँ हाँ, उसी को करता है। यही फ्रेश फ्रेश सोर्स ऑफ वाटर है गोवा में, जुवारी रिवर, इसी से आता है पानी। मांडवी भी गोवा में है। हाँ दोनों। अच्छा, आई कैन गो अ बिट स्लो। ओके ओके ओके। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट रेंजेस, तो जो मैंने लास्ट स्लाइड में रेंज कहा था वो इसमें दी हुई है, जम्पुई, सखनतरांग, ओके 0.75, ओके 30 लॉन्ग तराई, 40 अथरमुरा एंड 50 देवतामुरा। तो मैंने कहा था कि जो स्टेट की हाईएस्ट पीक है उसका नाम है बेटलिंग सिब्बा, जो जम्पुई में है, पहला वाला फर्स्ट में था, और जो शॉर्टेस्ट है उसका नाम है बारामूरा अखरमूरा, BETLING NGSIBA। तो ये बेटलिंग सिब्बा हो गया। एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 रेंजेस हैं, बट उसमें से जैसे हर स्टेट की इंपॉर्टेंट होती है ना, हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो जम्पुई है और बेटलिंग सिब्बा एंड मनु रिवर है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी स्टेट के छोटे छोटे इतने ज़रूरी नहीं होते हैं। सो दिस टू वेड अ पॉइंट। अब हम नेक्स्ट जा सकते हैं। हाँ सो लेट्स टॉक अबाउट ड्रेनेज सिस्टम। तो मनु इज़ द लार्जेस्ट रिवर, वजह इज़ 2x स्पीड, ओ नॉट मी। सो मनु इज़ द लार्जेस्ट रिवर एंड उसके बाद जुवरी आती है ऊपर में। सो इम्पॉर्टेंट दो तीन है, एक है फेनी क्योंकि बॉर्डर में आती है, यहाँ यहाँ पर कुछ बनाया गया था कि वो लास्ट में आएगा। फर्स्ट इज़ मनु एंड थर्ड इज़ गोमती। गोमती इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रुद्र सागर एक यहीं पर आता है जिसके बीच में नीर महल है एंड इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट। और डुम्बू लेक जो हमने पहली स्लाइड में देखा था लास्ट पॉइंट, ये राजस्ट रिजर्वायर है वहाँ पर इसलिए। एंड जो हमारा कैपिटल है अगरतला, वहाँ एक खोवारा है, एच, ये जो आपको दिख रहा होगा टिटास के नीचे, HAORA, तो इसको हावड़ा भी बोलते हैं। सो इट पासिस थ्रू द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, अगरतला। तो ये था पॉइंट। मनु इज़ द लार्जेस्ट जो सखान रेंज से निकलती है एंड खोवाई भी रिवर का नाम था। बाकी डम्बूर लेक तो आपने देख लिया एंड गोमती इज इम्पॉर्टेंट इन दैट कंटेक्स्ट। नेक्स्ट। तो ये ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं। गोमती के पास वी हैव अ डैम, गोमती डैम, जहाँ से हम हाइड्रो पावर कनेक्ट करते हैं। स्टेट के पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है एंड वन इंटीग्रेटेड पावर प्लांट है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि मनु इम्पॉर्टेंट है। जो गोमती है वो रुद्र सागर लेक के लिए नीर महल है एंड डम्बूर लेक इज द लार्जेस्ट, उसके में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गोमती डैम है डम्बूर लेक के पास, वो पॉइंट था। नेक्स्ट। हाँ सो सॉइल, जैसे हमने मिजोरम में देखा था, यहाँ भी रेड एंड येलो सॉइल है। तो उसको रेड एंड येलो सॉइल क्यों कहा जाता है? रेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आयरन होता है एंड येलो इसलिए कहा जाता है जब ये वाटर से पास करता है सॉइल, मतलब जिसमें वाटर आ जाता है तो उसका कलर येलो हो जाता है। एंड रेड एंड येलो सॉइल बनता किससे है? तो क्रिस्टल होते हैं इग्नियस के, उसके बाद ये जो बॉक्साइट से बनते हैं, ये बसाल्ट रॉक होता है, उसी से रेड एंड येलो बनता है ये। तो मेजॉरिटी रेड एंड येलो है, बाकी थोड़ा मोड़ा लेटराइट एंड एलुवियल मिल जाता है वैलीज की तरफ। हाँ, नेक्स्ट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट रेनफॉल, तो मैक्सिमम रेनफॉल नॉर्मली एक मंथ में आ जाती है,
वही साउथ ईस्ट मानसून में जब वो पास करती है वहाँ पर त्रिपुरा में, एंड ज़्यादातर कूल ड्राई एंड हॉट वेट समर होता है, तो नॉर्मल जैसा मेनलैंड में देखा जाता है वैसे ही होता है ज़्यादातर, एंड 1 मंथ में रेनफॉल हो जाती है पूरी। सो इफ़ यू टॉक अबाउट क्रॉप्स, तो यहाँ पर राइस मेजोरिटी में है, जूट थोड़ा बहुत, एंड जैसे आसाम में वी हैव टी गार्डन्स, तो यहाँ भी टी गार्डन्स है नॉर्थ साइड में, एंड सिट्रस फ्रूट। एक पॉइंट जो इसमें दिया नहीं हुआ है, जो स्टेट सी ए का अकेला GI टैग है उसको मिला हुआ है क्वींस पाइनएप्पल। जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले बांग्लादेश गवर्नमेंट सेंड हिल्सा फिश टू इंडिया एज अ पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी, तो इसके रिटर्न में वी सेंड क्वींस पाइनएप्पल टू बांग्लादेश। सो त्रिपुरा इज़ फेमस फॉर पाइनएप्पल्स, इसको GI टैग ही मिला हुआ है, एंड यहाँ पर 3-4 वैरायटी के पाइनएप्पल भी मिलते हैं। ही इज़ राइटिंग समथिंग। अच्छा ओके सोर्स, हाँ ये पोर्चुगीज साइट है, ही इज़ राइट। अच्छा राइस के बारे में, हाँ सो राइस की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है एज़ कम्पेयर टू पंजाब, बट सिंस यहाँ पर बंगाली मेजोरिटी ऑफ द लोग रहते हैं, सो तो दे कंज्यूम राइस, एंड वी हैव शिफ्टिंग कल्टिवेशन हिल्स में और सेटल्ड कल्टिवेशन प्लेन्स में, तो डिस्टिंक्ट है क्योंकि मेजोरिटी हिल्स हिल स्टेट है ये त्रिपुरा, इसलिए। तो मैं चपाटी घूमने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है उधर, मतलब क्या क्या कहा आपने? रेस्टोरेंट में चपाती ढूंढने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, मतलब एक दो गिने चुने रेस्टोरेंट है ना अगरतला में। हाँ हाँ एक्चुअली मैंने आपको लास्ट में बताऊंगा जब मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, जो पॉपुलेशन देखेंगे लैंग्वेज के बेसिस में तो 64% पीपल स्पीक बंगाली, क्योंकि बांग्लादेश से सराउंड करता है, तो इलीगल इमिग्रेंट्स का काफ़ी बड़ा इशू रहता है यहाँ पर। एंड लास्ट में बात करूँगा एक कंसेप्ट ऑफ टिपरा रेंड, TIPRALAND, तो वो रिलेटेड पॉलिटिकल कंसेप्ट है, वो आखिरी में आएंगे। तो इफ़ यू टॉक अबाउट मिनरल बेल्ट, तो आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा मिजोरम में कोई मेन पाइपलाइन नहीं है या फिर नेचुरल रिसोर्सेस हैं, बट वी हैव आसाम अराकन फोल्ड में जहाँ पर हमारे पास एक नेचुरल गैस आती है, तो ONGC का एक प्लांट है यहाँ पर त्रिपुरा में। हाँ ये वाला, सो वी हैव वन थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो वन सेकेंड हाँ सॉरी वन सेकेंड। सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द पावर सोर्सेज, सो त्रिपुरा इज़ सेल्फ सफिशियंट इन पावर, इसमें वी हैव बोथ थर्मल एज वेल एज हाइड्रो, तो हाइड्रो गोमती से निकलता है जो हमने देखा था डम्बोल लेक के पास से, एंड वहाँ पर त्रिपुरा है एक बारामूरा जो मैंने बताया था स्टार्टिंग पे, बारामूरा एक हिल्स थी जो वन ऑफ द 5 हिल्स में थी, वहाँ पर वी हैव पावर प्लांट एंड एक कम्बाइंड साइकिल प्लांट है, तो वहाँ पर वो वेस्ट से हीट एनर्जी के टर्बाइन को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो इट्स अ सेल्फ सफिशियंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है। ये वाला पॉइंट मैंने पहले कहा था अखुरा वाला, सो वी हैव वन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, अखुरा इज इन बांग्लादेश, त्रिपुरा इज इन अगरतला इज इन त्रिपुरा, तो यहाँ पर हम एक रेलवे ब्रिज बना रहे हैं जो 2020 तक कनेक्ट हो जाएगा, एंड इट विल बूस्ट अवर ट्रेड पार्टनरशिप विद बांग्लादेश, अदर वन इज इन बेंगापोल जो वेस्ट बंगाल में है, तो ये दूसरा हो जाएगा उसके बाद। हाँ सो इम्पॉर्टेंट अब आते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। हाँ सो वी हैव टू नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड बाइसन, या इसको दूसरा नाम एक और है राजबरी। तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइसन जो है दोनों का स्टेटस वल्नरेबल है, फर्स्ट पॉइंट। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क इज़ नॉट एक अकेला नेशनल पार्क है जो क्लाउडेड लेपर्ड को डेडिकेटेड है, एंड ऑल दो वी फाइंड क्लाउडेड लेपर्ड इन मिजोरम में जो डम्पा टाइगर रिजर्व बता रहे थे वहाँ भी हमें मिलते हैं क्लाउडेड लेपर्ड, एंड जो बाइसन है जिसको हम इंडियन गौर भी कहते हैं, सो ये कृष्णा का पार्ट है, तो ये भी स्टेटस में वल्नरेबल है। बाकी वी हैव 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो एक तो गोमती रिवर के नाम पे है, एक तो सिपाही जला है जहाँ जिसके पास क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, कृष्णा के पास बाइसन है, एंड रोवा एक्सट्रीम नेशनल
नॉर्थ पे है जो जूरी रिवर के पास है, तो इम्पोर्टेंट है क्राउडेड लेपर्ड्स आता है। एंड हाँ डिफरेंस, डू यू नो डिफरेंस बिटवीन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड क्राउडेड लेपर्ड? उसके स्पॉट्स थोड़े क्लाउडेड होते हैं, उसकी टेल थोड़ी मोटी होती है। हाँ, राइट। तो एक वो डिफरेंस पॉइंट है जानने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्राउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, बाइसन वाला दूसरा, एंड कृष्णा वाइल्ड सेंचुरी इम्पोर्टेंट नहीं, बट कृष्णा इज इम्पोर्टेंट क्योंकि वो न्यूज में रहती है कभी कभी, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। हाँ नेक्स्ट चले। रामसर में एक ही है जो मैंने बताया था, अंदीर महल वाली, रुद्र सागर लेक जिसको हम ट्विजिविक माँ के नाम से भी जानते हैं। एंड यहाँ पर हमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड बेयर्स पोचर्ड भी मिलेंगे जिसकी फोटो नीचे दी हुई है। ये दिया हुआ है, मतलब संचय लिखा हुआ है, ऑल्सो नोन एज ट्विजिलिक माँ। हाँ सो लेट्स टॉक अबाउट कल्चर। तीन है, एक है खर्ची पूजा, सेकंड इज गरिया, थर्ड इज होजागिरी। तो खर्ची पूजा क्या होता है, यहाँ पर एक बोट में ना हम साथ देवी को रखते हैं 14 और उनकी पूजा करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है खर्ची पूजा। खर्ची मतलब कि, और इसको प्रमोट भी करते हैं ड्रग और वाटर की थीम पे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। जैसे आपको पता होगा असम में कामाख्या टेम्पल है ना, उसी तरह इन त्रिपुरा वी हैव त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। तो ये वी हैव 51 शक्तिपीठ इन इंडिया, तो ये उनमें से एक माना जाता है इसको, शक्तिपीठ में से त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। एंड नेक्स्ट इज होजागिरी डांस। तो जो रियांग कम्युनिटी है जो हमने देखा था लास्ट में, तो रियांग कम्युनिटी का डांस है होजागिरी डांस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रियांग कम्युनिटी, तो दे हैव रिवोल्टेड इन 1942-43 एज वेल अंडर द लीडरशिप ऑफ बीर बिक्रम किशोर, जो उन्होंने पूछा था स्टार्टिंग में किसी ने कि रुद्र सागर किसने बनाया था, उसी के टाइम था। एंड जैसे डायनेस्टी होती थी ना, जैसे कि सिंधिया सी एमपी में, तो एक मानिका डायनेस्टी है। सो दे हैव रूल्ड, MANAYIKA मानिका डायनेस्टी, दे हैव रूल्ड त्रिपुरा थ्रू आउट दी ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वे लॉन्ग बैक। एंड जो रियांग कम्युनिटी है, ये कॉकबोरोक जो लैंग्वेज थी जिसमें सब आती थी, उसी का पार्ट रहती है रियांग, रियांग कम्युनिटी। एंड दे हैव रिवोल्टेड इन 42-43 एज वेल। एंड मैंने आपको वो बता दिया था, और हाँ दो पॉइंट और हैं जो मैंने देखे थे। इन व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ ईस्ट, त्रिपुरा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर एंड बैम्बू, मतलब टोटल नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जो सेवन सिस्टर्स हैं उसमें त्रिपुरा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर एंड बैम्बू दोनों का, तो एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो होजागिरी ये फोक डांस है जो रियांग कम्युनिटी करती है, तो इतना इम्पॉर्टेंट है। ब्रू रियांग कम्युनिटी, उनके डिस्प्लेसमेंट पे भी आएंगे हम। नेक्स्ट अबाउट ट्राइब्स, सो त्रिपुरी सबसे बड़ी कम्युनिटी है आफ्टर, मतलब 31% स्पीकर्स आर ऑफ त्रिपुरी कम्युनिटी, शक्ति कल्ट या वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं। इंडिया में रबर है बट नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा है। एंड जमातिया है यहाँ, सो ये जैसे आपने सुना होगा कि एक कसौल है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ दे फॉलो दे ओन कस्टमरी लॉ, तो उसकी तरह एक जमातिया ट्राइब है, तो दे फॉलो दे ओन कस्टमरी लॉ और वो उसको मानते नहीं है। बट जितनी भी लैंग्वेज है ना, सबके साथ कॉक बोरोक का पार्ट है, KOKBORK। तो त्रिपुरी राजस कम्युनिटी है, ये हिंदू है ऑलमोस्ट, अगर त्रिपुरा को देखेंगे तो इट्स अ हिंदू स्टेट, 86% हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर। तो त्रिपुरी कॉक बोरोक का पार्ट है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, ट्राइब्स भी इसी में, एंड जो TTEADC है वो इसी को रिप्रेजेंट करती है, और एक सब उसकी है रियांग की एक सब टाइप है जमातिया। तो ये था इसके बारे में। हम नेक्स्ट, एक हिमाचल या शायद उत्तराखंड में भी कोई ऐसा गांव है ना जहाँ पे वो अपना ही वो कसौल, लोग कसौल है कसौल क्या? आई थिंक हाँ वही है, कसौली है। ये कहा था ना मैंने। हाँ शायद ऐसा कुछ दूसरा याद आ रहा था। ओके अब तो ही समझ गए। सो अब मैं कुछ स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ कि स्टेट एनिमल, बर्ड, ट्री, फ्लावर, फ्रूट। तो स्टेट फ्रूट क्या होगा, जो GI टैग है, क्वींस पाइनएप्पल। स्टेट का ट्री क्या होगा, अगरवुड, अगरतला जिसके नाम पे बना हुआ है। स्टेट का फ्लावर है, नागेश्वर नाम है, स्टेट फ्लावर नागेश्वर। एंड स्टेट का एनिमल है
फायरेस, PHAYRES, लंगूर। त्रिपुरा में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज ट्राइब के प्राइमेट्स मिल जाएंगे। एंड जो स्टेट का बर्ड है वो है ग्रीन इंपीरियल पिजन। जो पिजन होता है उसके गले के पास एक ग्रीन कलर का पैच होता है, तो इसलिए हम उसको ग्रीन इंपीरियल पिजन कहते हैं। हाँ राइट सोचना, बट वहाँ वो मतलब मानती ही है, मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट में, जैसे अंडमान में सेंटिनल है, तो गवर्नमेंट कभी इंटरफेयर नहीं करती उनकी जो भी कस्टम्स होते हैं। तो उसी तरह कुछ ट्राइब्स हैं कि दे डोंट इवन वॉन्ट, दे वॉन्ट प्रिमिटिव कल्चर, कि वो चाहते नहीं कि कोई हम पे कोई भी करे मतलब इंटरफेरेंस। एंड ये जो इसमें तो दिए हुए हैं, एक ये फायरेस लीफ मंकी है, तो ये जो ये लंगूर है ये स्टेट का एनिमल है, और जो बेयर स्पोचर्ट है ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है इस रेन्यूज में, और जो स्टेट का एनिमल है छोटा बंदर वो एंडेंजर्ड है। सोशल है, हाँ ये नहीं पता मेरे को। नेक्स्ट एंड लास्ट, सो ये हमने देख लिया था मैना माती मैत्री एक्सरसाइज जब हम भी डिस्कस कर रहे थे। ये बांग्लादेश की BSF एंड इंडिया की BSF और बांग्लादेश का BSF इक्विवेलेंट BGB उनके बीच में हुआ था। एंड एक सिपटेट है CIPET, तो ये प्लास्टिक के लिए, तो ये HDR का जो पार्ट था उसके कंटेक्स्ट में वह बनाया गया था। हाँ रेसा ग्रोथ भी इसमें था। तो उसके बाद मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं, मैं वो पढ़ दूंगा, बाकी बस स्लाइड्स को देख लेते हैं। एक लास्ट स्लाइड और बची होगी मेरे ख्याल से। तो मैंने जो फेनी कहा था जो गोवा में ड्रिंक है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दे आर मेकिंग अ ब्रिज फ्रॉम चिटागोंग टू सबरूम, इसको मैत्री सेतु भी कहते हैं। तो दे विल कनेक्ट, और कनेक्टिविटी बढ़ाएगा तो उससे हमारी ट्रेड में इंक्रीज होगी। एंड इसको पोर्ट ऑफ कॉल, मतलब कि उस कॉल की हेल्प से हम आपको कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ काजू की ड्रिंक होती है राइट, तो ये फेनी उससे याद रहेगा, तो उतना ही रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। बाकी अब मैं कुछ, आई थिंक ये लास्ट था ना स्लाइड। हाँ पर मैंने कुछ फैक्ट्स लिखे थे, मैं वो बता देता हूँ थोड़े बहुत। तो त्रिपुरा इज द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट स्टेट, GST है। इट्स अ लैंड लॉक स्टेट। इट वॉज रूल्ड बाई माणिक्य डायनेस्टी, जो रीति ने पूछा था रुद्रसागर ने किसने बनाया था। सो इट वॉज बीर विक्रम माणिक्य, एंड जो अभी भी त्रिपुरा के किंग है उनका भी नाम कोई माणिक्य है। एंड नाउ देयर इज अ टॉक ऑफ टिपरा लैंड, TIPRALAND। जैसे आपने सुना होगा कंसेप्ट नागालैंड, ग्रेटर नागालैंड, तो उसमें वो कहते हैं कि जितने जहाँ जहाँ भी नागास रहते हैं, भले वो म्यांमार हो या आसाम हो, तो उनको एक का देना चाहिए। तो उसी के कंटेक्स्ट पे जैसे त्रिपुरी सरियांग कहाँ कहाँ रहते हैं, मिजोरम में भी आसाम में भी, तो डे आर सेइंग कि जहाँ जहाँ पर टिपरास रहते हैं उनको आप एक वो बना दो। तो देन दे वॉज क्वेश्चन आस्ट टू हिम कि डिफरेंस क्या है टिपरा लैंड और नागालैंड में। तो ये सेड कि टिपरा लैंड इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट, नागालैंड इज अ वायलेंट वन, बट दोनों की डिमांड एक है। तो यू कैन सी कि सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसी हमेशा से रही है, एंड नाउ दे आर यूजिंग इट एज ए पॉलिटिकल टूल, टिपरा लैंड की बात करते हुए। खर्ची पूजा हो गया अखोरा। एंड हाँ वेन वी, आपको पता होगा कि जो फेमस सिंगर्स हैं त्रिपुरा के, RD बर्मन, ST बर्मन, तो माणिक्य डायनेस्टी के ही थे ये। सो त्रिपुरा में ऐसे हम बात करें तो स्पोर्ट्स वोर्ट्स में पता नहीं, बट इन म्यूजिक दे हैव कंट्रीब्यूशन फ्रॉम RD एंड ST बर्मन। एंड रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार स्टेट को विजिट किया था 1902 1903 के टाइम में, तो उस टाइम से ये हमेशा अपनी वेबसाइट्स पे लिखते रहते कि टैगोर जी ने हमें विजिट किया था, तो ऐसा सच कोई रेफरेंस नहीं है। बट मुझे लगा था RD बर्मन, कि RD बर्मन वगैरह वेस्ट बंगाल से हैं। नो नो नो, बंगाली तो त्रिपुरा वाले भी तो यहाँ बंगाली थे। बोलते हैं त्रिपुरा वाले। हाँ हाँ बीबी किंग जो देखोगे ना, जो मतलब प्रिंस है उधर का, उसका भी सरनेम बर्मन ही है। RD बर्मन, राहुल देव बर्मन, ST बर्मन, ये सब जो माणिक्य डायनेस्टी है ना, इफ यू जो अभी अभी तो सब पॉलिटिक्स है ये, जो कांग्रेस के पहले चीफ थे स्टेट के वो प्रद्युत कुमार माणिक्य थे। सो ही इज नाउट अ हाँ पार्टी ऑफ, ही इज नाउट अ चीफ ऑफ टिपरा पार्टी। वो तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे ना। हाँ बट आई थिंक नाउ दे फॉर्म दैट न्यू पार्टी टिपरा, तो सबके सब एफरेट है, बिकॉज जैसे नागालैंड की बात करते हैं नागालैंड, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट टिपरा लैंड। तो उससे क्या ना, यू नो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सेशनिज्म, बट दे आर यूजिंग इट एज ए पॉलिटिकल टूल। तो एज सच इनका कोई कंट्रीब्यूशन में देखोगे तो RD बर्मन इज द बिगेस्ट थिंग विच हैज कम आउट ऑफ त्रिपुरा। राइट, बीजेपी वांट्स टू मेक एन अलायंस विद हिम, मतलब ही इज द या मोस्ट पावरफुल गए वो तो। राइट राइट राइट। अब थोड़ा सा वो देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट कि त्रिपुरा को स्टेटहुड कब दिया गया था। सो
सो त्रिपुरा वॉज गिवन अ स्टेटहुड इन 1972। 1971 में हमने बांग्लादेश के साथ वॉर जीत ली थी। 72 में इंदिरा गांधी गिव हर स्टेटहुड स्टेटस। बट 56 में जब फर्स्ट स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी थी, दैट टाइम इट वॉज गिवन अ स्टेटस ऑफ यूटी। और आपको याद रखना पड़ेगा टिल 90s त्रिपुरा वॉज इन वर्स्ट कंडीशन, लाइक नागालैंड जैसा सिचुएशन था। रोज फाइट्स होते थे, सेक्शनिस्ट टेंडेंसी होते थे, पीपल वर डाइंग। एंड त्रिपुरा इज वन ऑफ द स्टेट्स जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी हैज रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आफ्टर वेस्ट बंगाल, जो माननीय सरकार वॉज द सीएम। ये एक थोड़ा सा हो गया। एंड एक दो साइट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आया था प्री में, ऊनाकोटी केव, UNAKOTI, ऊनाकोटी केव। तो ये एक शिवा पिलग्रिमेज की साइट है। तो यहाँ पर आप ना वेरियस वर्क देख सकते हैं, रॉक कट आर्किटेक्चर के शेप्स देख सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। एंड वी हैव अ बुद्धिस्ट साइट एज वेल जिसका नाम है पिलक, PILAK, पिलक। निर्मल लैंग्वेज बता दिया। एंड ये जो सिक्स शेड्यूल वाला है TTADC, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट्स लाइक अ पैरेलल गवर्नमेंट। अगर आप देखोगे तो इनका जो एरिया है TTADC का 68% है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है। और ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इनके छोटे छोटे काउंसिल्स बन रखे हैं ट्राइब्स के हिसाब से। तो ये ओवरऑल काउंसिल है। और सेक्स रेशियो की बात करें हम तो त्रिपुरा के, तो इट इज़ बेटर देन द नेशनल एवरेज ऑफ 940, 961 है सेक्स रेशियो। लिटरेसी पे भी हाँ, दे आर एट 4th नंबर। बाकी आई थिंक इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल, काफी अच्छा बताया। थैंक यू राहुल। थैंक यू राहुल, इन्फॉर्मेशन दी। मतलब आई ट्राइड, मतलब लिखा नहीं था मैंने स्लाइड्स पे, वो करती थी, बट मैंने वो त्रिपुरा PSC से पेज उठा दिया था, तो इसमें काफ़ी अच्छा मिल गया था। थैंक यू। एक गारिया पूजा देखा क्या? हाँ, वो उसी का, त्रिपुरी त्रिपुरी और रियांग कम्युनिटी का ही होता है। हाँ, जो स्प्रिंग फेस्टिवल होता है उसे गारिया पूजा कहते हैं। या एंड हाँ, ये बताना भूल गया, जो ये जो रियांग वाला अभी जो गवर्नमेंट ने किया था, ये क्या था? सो रियांग कम्युनिटी दोनों रहती थी, त्रिपुरा में भी मिजोरम में भी। बट क्या हुआ, दे डोंट हैव लैंड पेपर्स, इनको राइट टू वोट नहीं था, क्योंकि ट्राइब्स के साथ जनरली प्रॉब्लम क्या थी कि इनके पास पेपर्स नहीं होते, डॉक्यूमेंट्स। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि गवर्नमेंट सेड कि दे विल बी इनहैबिटेड इन त्रिपुरा, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम 600 करोड़ ऑफ बजट, दे विल बी गिवन लैंड, दे विल बी गिवन वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब पेपर डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन, ताकि दे डोंट फील एलियनेटेड फ्रॉम द मेन स्ट्रक्चर। और जैसे कामाख्या टेम्पल था मैंने बताया था, उसी बेसिस में वी हैव त्रिपुरा सिंदूरी टेम्पल। आई थिंक मैं बता चुका हूँ, बस इतना ही था। हाँ, त्रिपुरा सुंदरी, बेसिकली शी इज आल्सो कॉल्ड बाला त्रिपुरा सुंदरी। इसमें रियांग को ये भी था ना कि जो लोग ऑलरेडी मिजोरम भाग गए उनको नहीं मिलेगा, तो उस वजह से थोड़ा वायलेंस बढ़ गया था काफी ज्यादा रियांग कम्युनिटी में। राइट राइट राइट। और एक था इसमें वाइट टी मिलता था ना त्रिपुरा में, ये नहीं पता न्यूज में था, मतलब एक गोलकपुर स्टेट है ना, वहाँ पे मिलता था व्हाइट टी, मतलब मैक्सिमम अमाउंट क्वांटिटी ऑफ व्हाइट टी वहाँ पे मिलता है। थैंक यू, ये नहीं पता था मेरे को, बस हो गया, निकलते जा रहा नहीं था इसमें। थैंक यू राहुल।